चलिए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। कोलकाता में प्रधानमंत्री ने 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और जगह जगह पीएम का स्वागत किया गया। इससे पहले बंगाल में ताबड़तोड़ रैली कर ममता सहित पूरे इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री ने घेरा। पीएम ने कहा कि बंगाल में आवाज उठाने वाले संतों पर हमले होते हैं, ये टीएमसी का टेरर मॉडल है। यहाँ गणतंत्र बचाने के लिए पहरा देना पड़ता है। यहाँ मानवता की सेवा करने वाले संतों ने अपनी आवाज उठाई तो उनका जीना मुश्किल कर दिया, उनको गालियां देने आने लगी, उन पर हमले होने लगे। वाराणसी में आज यूपी के दो लड़कों यानी राहुल और अखिलेश ने एक साथ हुंकार भरी। इस दौरान दोनों ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। संविधान, अग्निवीर सहित कई मुद्दों का जिक्र कर राहुल ने कहा कि मोदी सरकार में सिर्फ अमीरों का कर्ज माफ होता है, गरीबों का नहीं। नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा है, वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने संविधान को लेकर बीजेपी को घेरा और इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताया। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और ये इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बिहार से यूपी के सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ वार किए। पटना में सीएम योगी ने कहा कि अगर इनकी सरकार आएगी तो ये लोग तालिबानी कानून लागू कर देंगे। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा, यानी तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। पंजाब में प्रेस की आजादी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जी न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में किसी भी घर में जी न्यूज दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी न्यूज को ब्लैकआउट करने के फैसले पर बीजेपी समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने निंदा की है और केजरीवाल पर निशाना साधा है। मीडिया के चैनल को बंद करने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस उसको कुचलने का काम कर रहे हैं और जी जैसे चैनल को बंद करने का काम अगर श्रीमान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की इमरजेंसी लगी है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की तीसरी कोर्ट ने विभव की 3 दिन की और पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की रिमांड 5 दिन के लिए मांगी थी। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पूरे मामले को सुना और विभव को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने विभव को 18 मई को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली केस को लेकर आरोपी शाहजहां शेख पर शिकंजा और कसता जा रहा है। सीबीआई ने संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर शाहजहां शेख सहित 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने शाहजहां शेख समेत 7 पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120B और 307 के अलावा दंगा और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। यह अटैक उस समय किया गया था जब करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में ईडी की टीम शेख के घर छापेमारी करने गई थी। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी में बढ़ते तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मुंगेशपुर सहित कई इलाकों में तापमान 49.9 डिग्री दर्ज किया गया है। ये इस साल का अधिकतम तापमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। चूरू में पारा 50 के पार पहुंच गया है। आज चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 7.5 डिग्री अधिक है। प्रदेश के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं। साथ ही यूपी हरियाणा के लोगों को भी गर्मी से राहत नहीं है। हर जगह आग उगलती गर्मी से लोग बेहाल हैं। Z News.